सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL के कर्मचारियों को एक बार फिर वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने की वजह से कर्मचारियों के सामने फिर से संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में इन दोनों कंपनियों के कर्मचारियों ने धमकी दी है कि अगर उन्हें वेतन नहीं दिया गया तो वे दिवाली के बाद पूरे देश में हड़ताल करेंगे। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पब्लिक सेक्टर दूर संचार कंपनियों के यूनियन नेताओं ने कहा है कि उन्हें अगस्त और सितंबर का वेतन अभी तक नहीं मिला है। MTNL यूनियन और संघ के संयोजक ने कहा, क्या दिवाली से पहले ऐसा करना ठीक है? अगर जल्दी हमारे मसले हल नहीं हुए तो हम बेकार नहीं बैठेंगे, हम इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाएंगे। BSNL यूनियन के नेता ने पुष्टि की है कि वे MTNL के साथ मिलकर हड़ताल करेंगे और कहा है कि वे कंपनियों के पुनरुद्धार के बारे में सरकार की क्या योजनाएं हैं इसे भी समझना चाहते हैं। रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवालों से कहा गया है कि दूर संचार मंत्रालय एक योजना पर काम कर रहा था जिस पर PMO के साथ चर्चा हो रही है। वेतन के भुगतान के अलावा MTNL कर्मचारी यह भी मांग कर रहे हैं कि रिटायरमेंट की आयु 60 से 50 वर्ष तक नहीं बदली जानी चाहिए। वे MTNL और BSNL के विलय का भी विरोध कर रहे हैं। बता दें, वित्त मंत्रालय ने दोनों कंपनियों को बंद करने की सलाह भी दी है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने कहा है कि इन दोनों सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को बंद करने से सरकार को तकरीबन 95,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस पैकेज में रिटायरमेंट होने वाली उम्र को 60 साल से घटाकर 58 साल करने के लिए कहा गया था।